श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। अभी नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और कल नवरात्रि का अंतिम दिन है, आखिरी दिन है। नवी शक्ति माँ सिद्धिदात्री की पूजा का दिन है। ध्यान रखें, माँ दुर्गा का नवा रूप, नवा शक्ति जो है वो माँ सिद्धिदात्री है। और आपको कल लौंग के बहुत ही अचूक उपाय करना है। ये उपाय करने मात्र से आपके जीवन में सिद्धियाँ आपको प्राप्त होगी। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें। और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन सिद्धियों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व शामिल है। इन्हीं माता की वजह से भगवान शिव का जो अर्धनारीश्वर जो नाम कहलाया था ना, इन्हीं माता यानी कि सिद्धिदात्री के कारण ही भगवान शिव का जो आधा शरीर था वो देवी का हो गया था। यानी कि सिद्धिदात्री अष्ट सिद्धियों को देने वाली मानी जाती है। और इनके निमित्त कोई भी अगर आप उपाय करते हैं किसी भी कामना के लिए, वो परिपूर्ण होती ही होती है। ध्यान रखें, यदि आपने नवरात्रि की इन दिव्य रात्रियों में यदि कोई भी उपाय नहीं किया है तो ये दिन, आखिरी दिन जो नवरात्रि का है माँ सिद्धिदात्री का, इस दिन आपको कुछ लौंग के अचूक उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले माँ का रूप जान लेते हैं। माँ सिद्धिदात्री का जो रूप है, कमल पर विराजमान है, 4 भुजाएं वाली माता है। सिद्धिदात्री लाल रंग की साड़ी पहने विराजित हैं। इनके 4 हाथों में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल है। सिर पर ऊंचा सा मुकुट है, चेहरे पर मंद सी मुस्कुराहट है और माँ सिद्धिदात्री की यही पहचान है। समस्त सिद्धियों को देने वाली, दुख दारिद्रता को दूर करने वाली, ज्ञान का उपार्जन करने वाली और सही मार्ग दिखाने वाली, समस्त रूप से जीवन में सिद्धियां प्रदान करने वाली ऐसी देवी माँ सिद्धिदात्री का आज का ये उपाय करना चाहिए। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको मात्र 3 महा उपाय बताएंगे और ये तीनों महा उपाय में से जो आपको लगे आप कर सकते हैं। ये तीनों उपाय माँ सिद्धिदात्री के हैं। देखिए, सबसे पहला उपाय, ये उपाय आपको करना है सूर्यास्त के बाद, यानी कि रात्रि में करना है। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे के पहले पहले आप ये उपाय कर लेना। क्या करना है? एक दीपक लेना है, दीपक के साथ लेना है कपूर, ठीक है, और साथ में लेना है 9 लौंग। 9 लौंग लेना है, अलग अलग जोड़े नहीं लेना है, 9 लौंग लेना है, ठीक है, जोड़े से नहीं लेना है। 9 लौंग लेंगे वो साबुत होनी चाहिए। और ये जो उपाय है आपको आपके घर पर करना है। क्या करेंगे? सबसे पहले घर पे माँ दुर्गा के सामने आपको बैठ जाना है। आपकी जो भी विद्या है, आपकी जो भी विधि है, जो भी नवरात्रि में आप माला का जाप करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, वो सब करने के बाद, लेकिन आरती करने से पहले ये उपाय करना है। क्या करना है? अष्ट सिद्धियों को देने वाली ये 9 लौंग, अष्ट सिद्धियों को देने वाली माँ सिद्धिदात्री, आपको क्या करना है, 9 लौंगों को आपको हाथ में रखना है, ठीक है। अब आपको माँ सिद्धिदात्री के बीज मंत्र का जाप करना है 108 बार, रीम क्लीम एम सिद्धये नमः। देखिए, बहुत आसान सा मंत्र है, रीम क्लीम एम सिद्धये नमः, स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। या तो आप ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, लेकिन जाप आपको 108 बार ही करना है। 108 बार जाप करने के बाद आपको 1-1 लौंग आपको घी के अंदर डुबो करके आपको कपूर के ऊपर रख देनी है। ध्यान रखना, जब आप लौंग घी में डुबो करके कपूर के ऊपर रखेंगे तो आपकी जो इच्छा है, आपके मन में जो इच्छा है, जो आप चाहते हैं, जो आपकी परिपूर्ण हो जाए, वो आपको सोचना है लौंग रखते समय, ठीक है। जो भी आपकी इच्छा है, चाहे धन संबंधित परेशानी हो, विवाह से संबंधित कोई परेशानी हो उसे दूर करना हो, शिक्षा संबंधित परेशानी हो उसे दूर करना हो, तो आपकी जो भी कामना है वो बोल करके आपको ये जो लौंग है घी के अंदर डुबो करके आपको दीपक के अंदर रख देनी है। अब आपको इसी दीपक को प्रज्वलित करना है और माता की आरती करना है। बस इतना सा उपाय कर लेना। ये उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं। यदि आप ये उपाय मंदिर में करना चाहते हैं तो मंदिर में भी ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही प्रभावशाली, चमत्कारी की उपाय है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। देखिए, दूसरा उपाय, ये उपाय भी बहुत खास है। ये उपाय विशेषकर धन की प्राप्ति के लिए है। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार से धन का आगमन नहीं हो पा रहा है, आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं हो पा रहा है, आपके घर में अष्ट लक्ष्मियों का वास नहीं हो पा रहा है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत खास ये उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको कपूर लगेगा, 2 लौंग लगेगी,
एक हरी इलायची लगेगी और साथ में एक चुटकी हल्दी लगेगी। देखिए इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से समझना। ये उपाय करने से माता रानी अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है। जैसे ही ये उपाय आप करेंगे वैसे ही माँ लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आएगी। ध्यान रखें जब आप ये उपाय करेंगे, ये भी उपाय आपको सूर्यास्त के बाद करना है, 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद आप ये उपाय कर सकते हैं। रात्रि में 11 बजे तक ये उपाय किया जा सकता है, ठीक है। नवरात्रि की दिव्य रात्रि, पावन रात्रि में ये उपाय आपको करना है। क्या करेंगे, जब आप ये उपाय करेंगे तब आपके घर का मुख्य द्वार आपका खुला होना चाहिए, उसके बाद ही ये उपाय करना। आपको क्या करना है, आपके घर में जहाँ कहीं भी मंदिर है आपका, वहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी लेना है, हल्दी के अंदर घी मिलाना है। अगर गाय का घी नहीं है तो आप जो गुलाब जल है गुलाब जल मिला सकते हैं, अगर गुलाब जल भी नहीं है तो शुद्ध जल मिला दें। और उसके बाद सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली को हल्दी में डुबो करके आपको आपके घर के मंदिर में आपको ऊपर की साइड श्रीम लिखना है। श्रीम, श्रीम जो होता है माता लक्ष्मी का बीज मंत्र होता है। श्रीम जो है साक्षात देवी का स्वरूप है और ये देवी का स्वरूप आपको आपके घर के मंदिर में बनाना है, श्रीम लिखना है। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास करा है, श्री लिखना और ऊपर एक बिंदी लगा देना, इस प्रकार से श्रीम लिख देना। अब आपको क्या करना है, एक प्लेट लेना है, उसके ऊपर दीपक रखना है, उसके ऊपर कपूर रखना है, उसके ऊपर 2 लौंग रखना है और उसके ऊपर 1 हरी इलायची रखना है। हरी इलायची को घी के अंदर डुबो करके भी रख सकते हैं या साधारण खाली हरी इलायची भी रख सकते हैं। अब इसे प्रज्वलित करना है और आपने जो श्रीम बनाया ना उस श्रीम की आपको आरती करना है। ध्यान रखें थोड़े से श्रीम के ऊपर चावल भी बधा दें, 9 या 11 चावल आपको बधा देना है, इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है, स्वागत होता है, इसीलिए थोड़े से अक्षत भी आपको बधा देना है, ठीक है। अब आपको माता की आरती करनी है, महालक्ष्मी की आरती आती हो तो वो कर लें, अम्बे माता की आरती आती हो तो अम्बे माता की आरती कर लें, या तो आप ओम श्रीम नमः का जाप कर लें, ठीक है। अंत में आपको ओम महालक्ष्मी नमः का 11 बार आपको जाप करना है। बस ये सुंदर सा उपाय नवरात्रि के अंतिम दिन, इस मौके को गंवाना नहीं है, कोई भी उपाय करें माता के निमित्त आपके सिद्ध ही होंगे, क्योंकि ये समस्त सिद्धियां देने वाली माँ सिद्धिदात्री का दिन होता है, बहुत ही पावन दिन होता है, निर्मल दिन होता है, जरूर इस उपाय को करिएगा। देखिए नवरात्रि के अंतिम दिन अब आपको बहुत ही खास उपाय बताने वाले हैं, ये उपाय आपको करना है सूर्यास्त के पहले, सूर्यास्त के पहले भी कर सकते हैं या तो सूर्यास्त के बाद भी कर सकते हैं, पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। क्या करना है, आपको बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर जाना है, आज के दिन बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर जाना है सूर्यास्त के पहले। क्या करेंगे, एक तांबे का पात्र लेंगे, उसके अंदर जल मिलाएंगे, उसके अंदर एक चुटकी हल्दी मिलाएंगे और आपको आज के दिन बेलपत्र की जड़ में नवरात्रि के महालक्ष्मी का मंत्र का जाप करते हुए ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए ये आपको अर्पित कर देना है। ध्यान रखें अर्पित करने के बाद आपकी जो भी इच्छा है, धन संबंधित परेशानियां हैं उसे दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है और अंत में आपको वृक्ष को छूना है, यानी कि बेलपत्र के पेड़ को छूना है और आपकी जो भी इच्छा है वो बोल देना है। ये केवल नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री वाले दिन ही आपको करना है। इस उपाय को करने से आपके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, आपके शरीर में दैविक शक्ति प्रवेश करती है और आपके समस्त काम समस्त सिद्धियों से ऐसे ही परिपूर्ण होने लग जाते हैं। तो इस उपाय को आपको करना है, थोड़ा सा आपको जल अर्पित करना है हल्दी वाला, फिर उसके बाद वृक्ष को छू करके आपकी इच्छा बोलनी है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। यदि आप सूर्यास्त के पहले पहले ये उपाय नहीं कर पाते हैं तो सूर्यास्त के बाद आज के दिन लंबी बाती वाला दीपक महालक्ष्मी के निमित्त आपको एक घृत का यानी कि घी का दीपक जिसके अंदर एक चुटकी हल्दी डालना है और 1 हरी इलायची डालना है और ये दीपक आपको बेलपत्र की जड़ में आज के दिन रख करके आना है। इस उपाय को भी करने से आपके जीवन में धन का आगमन होता है। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना और रात में 9:55 के पहले पहले इस दीपक को आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख करके आना है। बहुत ही खास ये उपाय है। देखिए आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 महा उपाय बताए हैं। ये तीनों महा उपाय में से जो आपको लगे आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। नवरात्रि का अंतिम दिन है, एक उपाय तो आप ज़रूर कर लेना जो कि सबसे आसान हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महा।